बात करते हैं आदमपुर की। कुलदीप विश्नोई के इस्तीफा देने के साथ ही आदमपुर के लिए उपचुनाव होना भी तय हो गया था। अब आदमपुर में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। नजर आदमपुर पर हर पार्टी की है, लेकिन क्या यहां के सियासी और जातिगत समीकरण हैं जिसकी वजह से पार्टियां आगे बढ़ पाएंगी? कौन सी पार्टी के लिए ये समीकरण ज्यादा बेहतर साबित होंगे, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। अगले कुछ समय तक हरियाणा की राजनीति का आकर्षण केंद्र आदमपुर होने वाला है। जी हाँ, आदमपुर उपचुनाव में जीत हासिल कर सभी राजनीतिक दल अपना अपना संदेश हरियाणा वासियों तक पहुंचाना चाहते हैं। भाजपा जहां इसे प्रदेश सरकार की नीतियों के नतीजे के रूप में गिनवाएगी, वहीं कांग्रेस कुलदीप बिश्नोई के गढ़ में सेंध लगाने में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेगी। वहीं आम आदमी पार्टी के लिए यहां सब हरा ही हरा है, मतलब पाना ही पाना है। और शायद इसीलिए केजरीवाल ने मिशन 2024 के लिए आदमपुर के गढ़ में जाकर सीधी चुनौती देने का फैसला लिया। पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल का 52 साल से इस सीट पर एक छत्र राज। कुलदीप बिश्नोई के कांग्रेस से भाजपा में चले जाने के बाद अब यहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में नहीं है, जिसका फायदा आम आदमी पार्टी लेना चाहती है। आम आदमी पार्टी विजेता रही तो सबसे बेहतर होगा, अगर दूसरे नंबर पर रही तो कांग्रेस को पछाड़ने का बड़ा संदेश जाएगा। किसी कारण अगर तीसरे स्थान पर रही तो भी मतदाता आपको त्रिकोणीय मुकाबले में आंकना शुरू करेंगे। वहीं आदमपुर के जातीय समीकरण क्या कहते हैं आप ये भी जान लीजिए। कुल मतदाता 1,67,000, 56,000 जाट मतदाता, 26,000 बिश्नोई मतदाता, 38,000 अनुसूचित मतदाता, 32,000 पिछड़ा वर्ग मतदाता, 12,000 पंजाबी ब्राह्मण बनिया मतदाता, 3,000 मुस्लिम मतदाता। वहीं आदमपुर के पूर्व विधायक और भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर शराब बांटकर भीड़ जुटाने का आरोप लगाया। बिश्नोई ने केजरीवाल के हरियाणा के छोरे वाले बयान पर क्या कुछ कहा आप ये भी सुनिए। बताना चाहता हूँ कि आप तो बहुत नए हैं अभी राजनीति में। बड़े बड़े धुरंधरों ने प्रयास किया कि चौधरी भजन लाल जी की दुकान को आदमपुर में बंद कर दें, लेकिन मेरे आदमपुर की जनता ने उनकी दुकानें बंद कर दी। हिसार के बारे में कहीं, मैं तो हिसार का हूं, मैं तो हरियाणा का हूं, अच्छा ड्रामा था। अगर आप हिसार के हैं, आपकी चाची जी अगर आदमपुर की हैं, वो भी हमारे परिवार की हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम उनके, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इतने साल हो गए आपको मुख्यमंत्री बने, क्या आपने हिसार के लिए किया? क्या आपने आदमपुर के लिए किया? क्या आपने हरियाणा के लिए किया? सिर्फ वोट के लिए इस प्रकार लोगों को गुमराह करना किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। आप हरियाणा में आए, अगर आप कहते हो मैं हरियाणा का हूं, तो क्यों नहीं आपने एसवाईएल पानी का जिक्र किया अपने स्पीच में? एक शब्द जो हरियाणा के किसानों की जीवन रेखा है, उसके बारे में आपने चर्चा भी नहीं। वही आदमपुर में भाजपा को एक बड़ा झटका भी आज लगा। 2014 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े करण सिंह रानोलिया ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की। अंदरूनी हलचल तो ऐसी भी है कि करण सिंह रानोलिया 17 सितंबर को कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, अब देखना होगा कि आदमपुर का उपचुनाव क्या क्या क्लाइमैक्स लेकर आता है। क्या भाजपा कुलदीप बिश्नोई के जरिए आदमपुर की सीट को बचाने में सफल रहेगी, या इस बार कांग्रेस बाजी मार जाएगी, या कोई तीसरा मेहमान फायदा उठाने में कामयाब होगा? इन सब सवालों के जवाबों पर यही कहा जा सकता है कि पिक्चर अभी बाकी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।